All right, friends. Now you just refer your question number 3 and page number 10.5. काफी अच्छा क्वेश्चन है बजटरी का. इसमें आपके मैक्सिमम पॉइंट्स, मतलब जो लैंग्वेज का जो हमेशा आपको इशू रहता है, हर स्टूडेंट को जो लैंग्वेज का इशू रहता है, वो लैंग्वेज का इशू मैं आपका इसमें क्लियर कर देता हूँ. राइट, तो आप लैंग्वेज का जो आपका इशू है वो मैं आपको इसमें क्लियर करके देता हूँ. ओके, जस्ट यू रिफर क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, पेज नंबर 10.5 जो TKC का मैंने आपको जो बुक दिया है उसमें पेज नंबर 10.5 पे है क्वेश्चन नंबर 3. ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी. कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है ए एंड बी बाय मेकिंग द यूज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई. इट मींस हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट है ए एंड प्रोडक्ट है बी, और उनमें 2 तरह के मटेरियल यूज होते हैं एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड वाई. ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट ए एंड बी मेकिंग यूज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई. प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 10 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई. 10 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई. प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 5 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई. 5 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई. द प्राइस ऑफ एक्स इज 2 रुपीज पर यूनिट. इसका प्राइस है 2 रुपीज पर यूनिट एंड देन वाई का 3 रुपीज पर यूनिट एंड वाई इज 3. स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर प्रोडक्ट आर 4 एंड 3. स्टैंडर्ड आवर्स उसको चाहिए 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली. बजटेड वेजेज रेट 8 रुपीज पर आवर. ओवर टाइम 50% एंड इज पेबल इफ ए वर्कर वर्क्स मोर देन 40 आवर्स ए वीक. देर आर 150 वर्कर्स. ओके, द सेल्स मैनेजर हैज एस्टिमेटेड द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए टू बी 5000 एंड बी 10000. द टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट वर्कर इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%. इन एडिशन नॉन प्रोडक्टिव डाइन टाइम इज बजटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड. There are 12 5-day week in the budget period and it is anticipated that sales and production will occur evenly throughout the whole period. It is estimated that the stock at the beginning of the period will be product A 800, product B 1680. The target closing stock expressed in terms of anticipated activity during the budget period are product A 12 days and B 18 days. Sales, opening and closing stock of raw material X and Y will be maintained according to the requirement of stock position for A and B. You are required to prepare the following for the next period. Material usage, material purchase in terms of quantity and value, production budget, wages budget for the direct workers. Dekho. भले इन लोगों ने अपने को मटेरियल यूसेज और मटेरियल परचेज पहले पूछा है, लेकिन पहले अपन को आंसर करना पड़ेगा 2. इसका मतलब हमको बनाना पड़ेगा प्रोडक्शन बजट, क्योंकि प्रोडक्शन से ही अपना क्या था, अपना क्या था रूल, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल कंजम्पशन, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज ए परचेज, परचेज इनटू रेट परचेज रेट. तो कैसे बनाएंगे, इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर 2 अपन पहले कर देते हैं. दिस इज आंसर नंबर 2 पहले कर देते हैं. इट मींस स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन बजट प्रोडक्ट ए एंड B.
सेल्स क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक. ओके, अब सेल्स अपने को क्या दे रखा है, 5000 यूनिट्स ऑफ ए, 10,000 यूनिट्स ऑफ बी. सही है सुन, एंड क्लोजिंग स्टॉक. इट मींस क्लोजिंग स्टॉक आपका रहेगा फ्रेंड्स 5,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स. ओके, देख लेते हैं अपन. एंड माइनस ओपनिंग स्टॉक, एंड दिस विल बी योर प्रोडक्शन. व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक? 800 and 1680. 800 and 1680 क्लोजिंग स्टॉक. द सेल्स मैनेजर एस्टिमेटेड द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए टू बी 5000 यूनिट्स एंड बी 10,000. द टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट वर्कर इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%. इन एडिशन द नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम दिस देर आर 12 5-day weeks the budgeted period, and it is anticipated that the sales of the production will be occur evenly throughout the period. It means 12 5-day days. It means 12 5-day weeks. Okay. It is anticipated that the stock at the beginning of the year period will be 800 and 1680. The targeted closing stock expressed in terms of anticipated activity during the budget period are 12 days sales of A, 18 days sales of B. It means 5000 into 12 by 60, 1000, 10,000 into 18 by 60. 5,000 plus 1,000 minus 800, 5,200, 10,000 plus 3,000 less 1,680 is 11,320. सही है सुनो, ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर फर्स्ट सेल्स, दिस इज योर सेल्स आपका. क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो आप. ओके, ओपनिंग स्टॉक आपका ये रहेगा, ये आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन. तो ये मेरा हो गया आंसर नंबर टू. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा देखिए. राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा देखिए. अब क्या बोल रहे हैं, सेल्स. ओके, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ एक्स एंड वाई will be maintained according to the requirement of stock position of A and B. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो purchase और consumption है वो क्या रहेगा, same. Company is keeping the stock of raw material. Company is keeping the stock of raw material X and Y, but exactly as per the requirement of A and B. तो ए एंड बी, अब जरा समझने की बात है. ए और बी की सेल्स के लिए आपको मटेरियल लगेगा, ए और बी के क्लोजिंग स्टॉक को आपको मटेरियल लगेगा, और ए और बी का ओपनिंग स्टॉक आपका रॉ मटेरियल है. तो सेल्स के लिए लगेगा, एड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब डायरेक्टली आप प्रोडक्शन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे जो आपका कंजम्पशन रहेगा, यहाँ पे जो आपका कंजम्पशन रहेगा वही आपका परचेज भी रहेगा. जो आपका कंजम्पशन रहेगा वही आपका परचेज भी रहेगा. ओके, इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर टू. इट मींस स्टेटमेंट
showing consumption or purchase budget. Means you are keeping the stock of X and Y, but exactly as per the requirement. Okay. X and Y. A. अब A का consumption क्या रहेगा? What was the A का production? 5200. What is B? B का is 11320. ओके अब आप आ जाइए ए के केस में क्या है प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 10 यूनिट्स ऑफ एक्स 3 यूनिट्स ऑफ वाई 10 एंड 3 बी रिक्वायर्स 5 एंड 2 5 एंड 2 ओके ये आपका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू योर कंजम्पशन एज वेल एज परचेज इंटू रेट परचेज वैल्यू 5200 इंटू 10 52000 11320 इंटू 5 56600 5200 into 3 15600 11320 into 2 22640 plus 15600 38240 52000 plus 56600 108600 into what is the rate per 2 and 3 into 2 217200 38240 into 3 114720 ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स कंजम्पशन एज वेल एज पर मींस कंपनी यहां पे कंफ्यूज मत होना कंपनी इज कीपिंग द स्टॉक Company is keeping the stock of X and Y. Company is keeping the stock of X and Y, but exactly as per the requirement of A and B. इसका मतलब A और B में आपको यहाँ पे भी X and Y लगेगा. ये आपका X हो गया, ये Y हो गया आपका. Closing stock में भी आपको X and Y लगेगा. Closing stock में भी X and Y लगेगा और opening stock में भी X and Y. तो ये plus ये minus ये, ये प्लस ये माइनस ये आपका ये आ जाए सही है सर परफेक्टली क्लियर हो नोट अब आता है फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज ए आंसर नंबर 3 ये आपका हो गया आंसर नंबर 2 क्या आपका आंसर नंबर 2 हो गया फ्रेंड्स नाउ यू कम टू आंसर नंबर 3 आंसर नंबर 3 अब देखो जरा आंसर नंबर 3 करने से पहले मैं ना थोड़ा आपको एक चीज समझाता हूं जैसे सपोज अगर आप अपने एम्प्लॉय को बोलते हो सपोज आप अपने एम्प्लॉय को बोलते हो कि सर लाइक यू नो दैट सर मुझे डीकेसी के नोट्स हैं जो सीए इंटर के सीए फाइनल के जो नोट्स हैं सीए फाइनल के जो नोट्स हैं वो मुझे आप प्रिंट करके दीजिए तो आपको ग्रॉस टाइम कितना पे करना पड़ेगा उसको जरा ये समझिए क्वेश्चन को क्योंकि अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा राइट डीकेसी के आप उसको बोलते हो कि मुझे नोट चाहिए तो आपको ग्रॉस आर्स क्या पे करना पड़ेगा दिस इज ए ग्रॉस आर्स यू डिवाइड इन टू एक आपका रहेगा प्रोडक्टिव और एक आपका रहेगा नॉन प्रोडक्टिव एक आपका रहेगा
प्रोडक्टिव और एक आपका रहेगा नॉन प्रोडक्टिव, सही है सुनो, एक आपका रहेगा प्रोडक्टिव, एक आपका रहेगा नॉन प्रोडक्टिव, बराबर। प्रोडक्टिव में भी दो रहेगा, एक रहेगा सेटिंग अप और एक आपका रहेगा एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग। एक्चुअल ये टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और जब ये एग्जाम में आया था तो किसी भी स्टूडेंट को ये समझा नहीं था, मतलब अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्टूडेंट को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया नहीं था, सही है सुनो। ग्रॉस आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स, सेटिंग अप टाइम एंड एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग टाइम, नॉन प्रोडक्टिव में आपका ये आ जाएगा। सही है सुनो, अब आपका एम्प्लॉय कैसे स्टार्ट करेगा, पहले वो सर्च करेगा वेर इज डीकेसी, उसने डीकेसी रजिस्टर्ड सर्च किया, उसको हाफ एन आवर लग गया, हाफ एन आवर उसको सर्च करने में लग गया वेयर डीकेसी। फिर उसने एक्चुअल में, जब उसने एक्चुअल में सर्च कर लिया, फिर उसने कॉस्टिंग के नोट्स वगैरह ढूंढे, उसको 7 आवर्स लग गए, आपका टोटल हो गया 7.5 आवर्स। और आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा वर्कर 7.5 आवर्स काम करेगा, अगर मेरा वर्कर 7.5 आवर्स काम करेगा तो हाफ एन आवर मुझे क्या चाहिए फॉर लंच, आपको टोटल आवर्स कितना देना पड़ेगा पेमेंट 8 आवर्स। सेटिंग अप टाइम आपका क्या रहेगा 0.5 आवर्स, एक्चुअल आपको मैन्युफैक्चरिंग 7 आवर्स, टोटल आपका 7.5, आपका नॉन प्रोडक्टिव 0.5, आपके टोटल आवर्स हो जाएंगे 8 आवर्स। आपके जो टोटल एयर आपको जो पे करना पड़ेगा वो टोटल, इसका मतलब सेटिंग अप टाइम, सेटिंग अप टाइम इज ए प्रोडक्टिव टाइम, अपार्ट फ्रॉम दिस इन एडिशन टू दिस यू हैव टू गिव हाफ एन आवर फॉर लंच, वो पेमेंट कौन करेगा, बिकॉज दिस लॉस इज ए अनकंट्रोलेबल लॉस, तो इसका पे कौन करेगा, वर्कर, राइट, तो इस वर्कर को कौन पे करेगा, कंपनी। तो ये आपका हो गया। अब आप देखिए जरा क्या बोल रहा है, हाँ अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, द सेल्स मैनेजर हैज एस्टिमेटेड दैट द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए 5000 यूनिट्स एंड बी 10,000, द टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाई द डायरेक्ट वर्कर इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%, इन एडिशन द नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स वर्क। देखो कैसे निकालेंगे, दिस इज योर ग्रॉस आवर्स, ग्रॉस आवर्स यू डिवाइड इन टू प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव में एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेटअप टाइम। अब वो क्या बोल रहे हैं, द सेल्स मैनेजर हैज एस्टिमेटेड दैट द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए टू बी 5000 यूनिट्स एंड बी 10,000 यूनिट्स, द टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट वर्कर इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%। इसका मतलब आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है उसका 80% कहाँ जाता है, एक्चुअल मैन्युफैक्चर में, तो प्रोडक्टिव का 20 कहाँ गया, 20 यहाँ गया, और इन एडिशन ये जो मिलके आएगा 100 का इन एडिशन क्या बोल रहे हैं, इन एडिशन द अनप्रोडक्टिव डाउन टाइम इज बजेटेड टू बी 20% ऑफ द प्रोडक्टिव टाइम, 20%। इसका मतलब आपको टोटल टाइम पे करना पड़ेगा 120, आपको टोटल टाइम पे करना पड़ेगा 120, सही है सुनो, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग में आपका क्या जाएगा, 80% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड, ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड,
ओके अब आप आ जाइए, आपके पास दो प्रोडक्ट हैं ए बी, आपके पास दो प्रोडक्ट हैं ए एंड बी। अब आपका प्रोडक्शन क्या था, आपका प्रोडक्शन है 5,211,320। अब एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है, 4 एंड 3। फाइव टू डबल जीरो इंटू फोर एंड 11,320 × 3 प्लस 2,800 54,760 × 100/80 68,450 का 20% 13,690 प्लस 68,450 इज 82,140 आवर्स। 82,140 आवर्स आपको टाइम लगेगा, आपको पे करना पड़ेगा 82,140 आवर्स। 82,140 आवर्स का आपको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ या नहीं, ये आपका एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम। एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम इज 80% ऑफ द प्रोडक्टिव टाइम, राइट। इसका मतलब टोटल प्रोडक्टिव टाइम ये हुआ, इन एडिशन 20%, इट मीन्स 82,140। ये आपका ग्रॉस जो आर्स है वो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 82,140। आप कैसे पे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। आप कैसे पे करेंगे, इट मीन्स आ जाइए, सो दिस इज योर स्टेटमेंट showing labor budget, statement showing labor budget। पहले आपका normal hours और फिर आपका overtime hours। normal में हमारे पास हैं, आपके पास 150 workers हैं, ओके, दे आर वर्किंग 40 आवर्स इन ए वीक और 12 वीक्स अपने पास हैं। 150 × 40 × 12 = 72। हमको पे करना है 82,140 less 72 = 10,140। रेट है हमारा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 8 का 150%, इट मीन्स 12, 50% प्रीमियम है ना फ्रेंड्स, इट मीन्स 72,000 × 8 = 76 10,140 × 12 = 121,680 + 5,76,697 सही है, सुनो, इज दिस क्लियर और नॉट, बताइए, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपका मेन था इंपॉर्टेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सही है।